हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ HPTU MBA के बारे में, किसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज के लिए। तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना, जैसे कि फायरफॉक्स, मोज़िला या फिर एज। देन आपको उसमें टाइप करना है HPTU MBA TE & HR 2023 IAS पेपर। एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ से आपको HPTU MBA से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पे दिया गया HPTU MBA TE & HR 2023 एप्लीकेशन स्टार्टेड डेट्स, एज ग्रुप, पैटर्न एंड सिलेबस। मैंने यहाँ पे सोचा एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है एंड इसका फुल फॉर्म है हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। एंड यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाइस्ट क्वालिफिकेशन और आपको गेट फी काउंसलिंग में क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। क्लिक हियर टू चेक द एप्लीकेशन डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे, देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। देन यहाँ पर आपको जो है यूज़र नेम एंड पासवर्ड, देन यहाँ पर फॉर्म नंबर डालेंगे, देन आपको यहाँ पर जो है लॉगिन पर क्लिक करना होता है। देन उसके बाद अगर आप न्यू हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर HPCET पर क्लिक करेंगे, देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप इसको रीड करेंगे। देन यहाँ पे आप आई हैव रीड पे क्लिक करके आपको प्रोसेस टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको अपना नेम डालेंगे, देन यहाँ पर आपको जो है यूज़र नेम बताना होगा अपना एंड देन आपको जो है पासवर्ड क्रिएट करना होगा एंड उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बताना है यहाँ पर, देन ईमेल आईडी डालनी है, अपने मोबाइल नंबर डालना है, देन आपको आई हैव रीड पे आपको क्लिक करना है एंड देन क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। देन वहाँ से जो है आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स डिटेल्स एंड अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देनी होती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आपको अपना नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, रिलीजन, कास्ट, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। एंड देन आपको जो है आपको अपना पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन देनी होती है। पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन में फादर नेम, मदर नेम, उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। एंड देन आपको जो है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देना होगा। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपने 10th and 12th का परसेंटेज बताना होता है, कौन सी में आपने कंप्लीट किया था वो बताएंगे, कौन से स्टेट से, कौन से यूनिवर्सिटी से। एंड देन आपको जो है आपको अपना एड्रेस बताना होता है, जिसमें आपको अपनी स्टेट, कंट्री, नेशनलिटी, पिन कोड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है। एंड उसके बाद आपको जो है आपको अपना फ़ोटो देना होता है, JPG या PNG फॉर्म में, देन सिग्नेचर करना होता है। देन आपको सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी चेक करना होता है कि आपने सारे इन्फॉर्मेशन सही फिल किया या नहीं। अगर आपका सारे इन्फॉर्मेशन सही है तो आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।